हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हट में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए मेरे वीडियो में, और सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे चैनल को। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो लोग साउथ इंडियन रेलवे के सफाई वाला पोस्ट या पैरामेडिकल के लिए अप्लाई किए थे, उस लोगों के लिए एक खुशखबरी है। वो लोग ऑनलाइन जाके आपका जो ई कॉल लेटर है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से आप ई कॉल लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं और भी बताऊंगा कि इसका जो सिलेबस क्या है, या किस तरह से आप सिलेबस कौन कौन किस तरह से आप आंसर करना होगा आपका क्वेश्चन के, सब कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास जो है आपको देना होगा। उसके साथ साथ आपका नेम जो है यहाँ पर देना होगा। नेम के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ जो कि है आपको यहाँ पे देना होगा। देने के सब कुछ यहाँ के डालने के बाद आपको यहाँ पे जो कि नीचे लिखा है सब्सक्राइब बटन, आपको सबमिट बटन, आपका सबमिट बटन में क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपको आपका जो ई कॉल लेटर है वो आपके पास चला आएगा। तो दोस्तों, मैं पहले इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर नेम है सब कुछ मैं डाल देता हूँ। उसके बाद मैं इसका जो नेक्स्ट स्टेप है मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो दोस्तों, मैं अभी इसका जो डिटेल्स है मैं भर रहा हूँ। तो उसके बाद मैं सबमिट करके मेरा ई कॉल लेटर जो है मैं आपके उसका डिटेल में आपको बताऊंगा। तो मैं इसका सबमिट कर चुका हूँ। सबमिट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ चला है। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड CBD कॉल लेटर। तो यहाँ पे जो CBD की एग्ज़ाम देना होगा उसके लिए ये कॉल लेटर यहाँ से डाउनलोड करना हो। डाउनलोड करने के लिए इस तरह से कुछ यहाँ पे आएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा ई कॉल लेटर की ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो की है यहाँ पे चला आया है। तो दोस्तों, इस तरह से कुछ दिखता है आपका ई कॉल लेटर। तो जो लोग यहाँ अभी भी नहीं डाउनलोड कर चुके हैं तो वो लोगों को मैं बताऊँगा, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं इसका ई कॉल लेटर। तो दोस्तों, इसके साथ साथ मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से आप आंसर दे सकते हैं कि क्वेश्चन, मतलब आपको एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, उसको मैं डिटेल्स में बात करूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे और भी कुछ दिया हुआ है ये जनरल इंस्ट्रक्शन कि किस तरह से आपको यहाँ पे मेंटेन करना होगा, जो कि एग्जामिन हॉल में अंदर किस तरह से आंसर करना होगा, क्वेश्चन आंसर को कौन कौन लैंग्वेज में आप अप्लाई कर आंसर दे सकते हैं, उसको जो डिटेल्स है मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो देखते रहे मेरा पूरा ये वीडियो, उसके बाद आप लोग जान सकते हैं कि किस तरह से मैं अभी, मतलब इस सिलेबस है कि कौन कौन सिलेबस है, कौन कौन सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जान सकते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक है। तो जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो उसके लिए एक सुखबर है जो कि आप लोग बहुत ही जल्दी इसका पोस्ट जो है आप लोग एग्ज़ाम जो है आप लोग दे सकते। तो यहाँ पे बहुत सारे जो कि इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या करना होगा, क्या क्या नहीं करना होगा। यहाँ पे जो जो नो बट नो लिखा हुआ है उसको ध्यान में रख के आप लोग नहीं करेंगे। तो इसके बाद मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा इसका जो सिलेबस है उसका क्या होगा। तो दोस्तों, अभी बात करूंगा साउथ इंडियन रेलवे सफाई वाला पैरामेडिकल स्टाफ के इसका जो सिलेबस है उसके बारे में। तो इसका जो एग्ज़ाम होगा यहाँ पे, जो कि फर्स्ट एक एग्ज़ाम देना होगा रिटर्न एग्ज़ाम, उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फॉर द सफाई वाला। और पैरामेडिकल के लिए आपको यहाँ पे जो कि मेडिकल चेकअप या मेडिकल टेस्ट देना होगा। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि साउथ इंडिया के रेलवे की जो दो पोस्ट निकला हुआ है तो उसका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्दी होगा। उसके साथ साथ मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा इसका जो सिलेबस है उस किस तरह है सिलेबस। तो दोस्तों, यहाँ पे सिलेबस जो रहेगा, सिलेबस फॉर द साउथ रेलवे पैरामेडिकल स्टाफ के लिए लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश में। तो यहाँ पे जो कि है फोर सब्जेक्ट रहेगा इसमें आपको, यह होगा क्वेश्चन होगा। इसके साथ साथ जनरल नॉलेज जो कि यहाँ पे थक रहेगा, फेमस बुक ऑफ ऑथर, जनरल साइंस, इंडियन पार्लियामेंट, बायोलॉजी, आर्टिस्ट, जियोग्राफी, सिविक्स, इंडियन हिस्ट्री, फेमस डेज एंड डेट, रिवर्स लेक एंड सीज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, फेमस प्लेस इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमिक, कंट्रीज एंड कैपिटल, टूरिज्म, इन्वायरमेंटल इशू, इंडियन पॉलिटिक्स, स्पोर्ट, हेरिटेज,
लिटरेचर, करंट अफेयर्स। तो दोस्तों यहाँ पे जनरल नॉलेज की बात करें तो यहाँ पे इस तरह की कुछ आपको सब कुछ इसमें से पढ़ के जाना होगा, इसमें से आपको मेरे को लगता है क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको फर्स्ट लैंग्वेज में जो कि यहाँ पे आएगा क्वेश्चन, इसमें से आएगा फर्स्ट है फिलिंग का, फिल इन द ब्लैंक जो कि है वो रहेगा। उसके बाद आपको वोकैबुलरी जो है ग्रामर, टेंस, एंटोनिम्स, इडियम्स ऑफ फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सिनोनिम्स एंड कॉम्प्रिहेंशन यूजेज ऑफ वर्ड्स। तो दोस्तों इंग्लिश में जो कि यहाँ पे ये था, इसमें से आपको जो क्वेश्चन आएगा। उसके बाद मैं बात करूँगा एप्टीट्यूड के, सिंपल इंटरेस्ट, नंबर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, पार्टनरशिप, रेसेस एंड गेम्स, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, एवरेज, प्रॉब्लम्स एंड एज, चेन रूल, सिंप्लीफिकेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, स्टॉक एंड शेयर, एरिया प्रॉब्लम एंड एज, एच सी ए एंड एल सी एम, रेटियो एंड प्रोपोर्शन, पाइप्स एंड सिस्टम, बैंक करंट, डिस्काउंट, डेमिकल फ्रैक्शन, सर्टेन ऑफ इंडिकेट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम ऑफ डिस्टेंस, एलिगेशन ऑफ मिक्सचर, लॉगरिथम, टाइम एंड वर्क, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एप्टीट्यूड के जो कि इसमें से आपको जो भी क्वेश्चन आएगा इसमें से ही आएगा। तो ध्यान रहेगा, ध्यान रहे इसमें से जो जो क्वेश्चन आप लोगों को के पढ़ाई कर चुके हैं, जो करना का जो लोग अप्लाई किए हैं इस पोस्ट के लिए, तो आप लोग इसमें से ज़रूर क्वेश्चन जो कि जो जो क्वेश्चन आप लोग कर जाएंगे। तो दोस्तों उसके बाद मैं बात करूँगा रिज्यूम की, रिज्यूम की जो कि है एम्बेडेड फिंगर्स, क्लॉक एंड कैलेंडर, स्टीमर एंड कॉन्क्लूशन, क्यूब एंड डाइस, डाटा इंटरप्रिटेशन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डिसीशन मेकिंग, सिलोजिज्म, नंबर सीरीज, डायरेक्शन, अल्फाबेट सीरीज, नंबर रैंकिंग, मिरर इमेज। तो दोस्तों ये था आपका जो फोर्थ सब्जेक्ट, इसमें से आपको जो जो क्वेश्चन आएगा इसमें से ही आएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो लोग प्रिपेयर हो रहे हैं इस पोस्ट के लिए तो इसमें से ही आप लोग कर जाए, इसमें से बहुत सारे जो कि क्वेश्चन आएगा आप लोगों को कॉमन क्वेश्चन है। तो आप लोग नहीं जानते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, इसके साथ साथ टॉपिक जो है हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम में आपको एग्जाम देना होगा, जनरल नॉलेज रहेगा, रीजनिंग रहेगा, एप्टीट्यूड रहेगा। इसके साथ साथ टोटल क्वेश्चन जो होगा 50 और टेस्ट पीरियड होगा 45 मिनट। तो दोस्तों आप लोग जानते आप लोग यहाँ पे देख सकते कि 50 क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा 45 मिनट्स के जो कि टाइम रहेगा। यहाँ पे लिखा है देयर विल बी स्क्रीनिंग टेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, फॉलोड बाय द फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे 50 क्वेश्चन के बाद आपको फिजिकल टेस्ट जो कि यहाँ पे देना होगा, और इसका क्वेश्चन जो होगा हिंदी, इंग्लिश, तमिल और मलयालम में, तो मलयालम में इस। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो डिटेल्स है यहाँ पे ये यह था। तो अगर आप प्रिपेयर हो रहे हैं तो इसमें से क्वेश्चन आप लोग कर जा सकते हैं, उसके बाद आप लोगों को बहुत ही सारा कॉमन क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके आप लोग बोल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। थैंक यू।